तो दोस्तों रिलायंस रिटेल या डीमार्ट, इन दोनों में से रिटेल बिजनेस का किंग कौन होने वाला है, मतलब इन दोनों में से बेस्ट स्टॉक कौन सा है, किस स्टॉक को हमें पिक करना चाहिए जो कि हमें फ्यूचर के अंदर मल्टी बैगन रिटर्न बना के दे सके, क्योंकि ये दोनों ऐसे स्टॉक हैं, लगभग इनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का बिजनेस है, जिसके कारण क्या है कि लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों ही अच्छे स्टॉक्स है, इस कारण कंफ्यूजन हो जाता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें और किसको छोड़ें। और दोस्तों अगर बात करें तो रिटेल बिजनेस के अंदर पहले बिग बाजार को भी शामिल किया जाता था, पर अब क्या है कि बिग बाजार के ऊपर कर्ज मतलब लोन बहुत ज्यादा है। उसके अलावा मुकेश अंबानी भी इसको खरीदने का सोच रहे थे, अब मुझे लगता है डील वगैरह कैंसिल हो गई है। ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, पर जितना मैंने सुना है उस हिसाब से डील कैंसिल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम शामिल करेंगे डीमार्ट और रिलायंस रिटेल को, और दोनों के अंदर जानेंगे कि बेस्ट स्टॉक कौन सा है। और दोस्तों एक बात है कि इन दोनों स्टॉक्स पर हमेशा इन्वेस्टर्स की नजर रहती है। क्यों रहती है? कारण भी इसका यही है कि रिलायंस रिटेल के जो मालिक है वो है मुकेश अंबानी, और डीमार्ट के जो मालिक है राधा किशन दामानी जो कि राकेश झुनझुनवाला के गुरु हैं और इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे बड़े ग्रुप के साथ लोग इन्वेस्ट करना ही चाहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे इनका बिजनेस कैसा है, इनके स्टोर्स टोटल कितने हैं, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वगैरह कैसे हैं, तो ये सारी चीजों का कंपैरिजन करेंगे, जिससे क्या है कि आप खुद जान पाएंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीमार्ट के बारे में। डीमार्ट फाउंडेड की गई थी 2002 के अंदर, उसके बाद से इसने काफी अच्छी ग्रोथ की है। इसके मालिक जो है राधा किशन दामानी, जो कि राकेश झुनझुनवाला के गुरु माने जाते हैं और इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। फिर दूसरी जो है रिलायंस रिटेल, उसकी जो शुरुआत की गई थी 2006 के अंदर, और रिलायंस रिटेल का कोई अलग शेयर नहीं है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में आता है, और इसका आईपीओ अलग से आएगा पर अभी तक आईपीओ नहीं आया है। फिर दोस्तों इनका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मार्केट कैप के अनुसार अगर देखिए तो दोनों ही लार्ज कैप कंपनी है। उसके अलावा अगर डीमार्ट का मार्केट कैप देखते हैं तो 2.52 लाख करोड़ रुपए का है, और रैंकिंग के हिसाब से लगभग 21वें नंबर पर आती है मार्केट कैप के अनुसार। फिर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 16 लाख करोड़ से ऊपर का है, पर हम इसका मार्केट कैप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि रिलायंस रिटेल का हमें देखना है। तो पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसके अंदर रिलायंस रिटेल का जो रेवेन्यू है 21% मतलब 21% का रेवेन्यू जनरेट करती है रिलायंस रिटेल से, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टोटल रेवेन्यू है 7.18 लाख करोड़ रुपए, तो 21% के हिसाब से तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आता है। पर मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ी तब रिलायंस रिटेल का जो 2022 का लगभग रेवेन्यू है 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, और डीमार्ट का जो रेवेन्यू है लगभग 31,000 करोड़ रुपए का 2022 के अंदर, तो उस हिसाब से लगभग 7 गुना बड़ी कंपनी है रिलायंस रिटेल डीमार्ट से। तो पहली चीज ये तो क्लियर होगी मार्केट कैप के अनुसार, और अगर रिलायंस रिटेल का आईपीओ भी आएगा तो भी ये डीमार्ट से बड़ी ही कंपनी होगी। फिर दोस्तों स्टोर्स देख लेते हैं, मतलब इनके टोटल स्टोर्स कितने हैं, कितने मॉल्स इन्होंने खोल रखे हैं। तो डीमार्ट के टोटल 246 स्टोर्स हैं, मतलब अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 246 स्टोर्स हैं आज की तारीख में डीमार्ट के पास, 11 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर। और इसका जो मॉल का काम है, मॉल आप समझते ही हैं कि जो ये सारी चीजें बेचते हैं जिसके अंदर फूड आइटम्स हैं, ग्रोसरीज हैं, और उसके अलावा फर्नीचर है, होम अप्लायंसेस है, और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर सेल करते हैं। और इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है 52% का फूड सेगमेंट से। फिर दोस्तों रिलायंस रिटेल के अगर स्टोर्स देखें तो 11,800 स्टोर्स आते हैं, पर इसके अंदर सारे मॉल वाले नहीं है, मतलब जो रिलायंस रिटेल पूरा मॉल होता है उसके 11,800 स्टोर्स नहीं है, उसके अंडर में काफी सारी इसकी कंपनीज आती है जिसके अंदर में रिलायंस रिटेल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश के अंदर ये सब्जियां वगैरह बेचती है, उसके अलावा रिलायंस डिजिटल के अंदर जो होम अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो भी सेल करती है, फिर रिलायंस फुटप्रिंट जिसके अंदर फुटवेयर वगैरह सेल करती है, फिर जस्ट डायल वो भी रिलायंस रिटेल के अंडर में आता है, हैमलेस जो कि ब्रिटिश कंपनी है जो कि टॉयज वगैरह की रिटेलर है वो भी रिलायंस की है, जियो मार्ट, डुंजो, आजियो, फिंड, अर्बन लैडर, और उसके अलावा नेटमेड्स जो कि डिलीवरी करती है दवाइयों की वो भी इसकी रिलायंस रिटेल की है, फिर उसके अलावा सी स्क्वायर। तो ये सारे बिजनेस इसके हैं, मतलब ये सारे बिजनेस रिलायंस रिटेल के अंदर में आते हैं। तो अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाइज देखें तो रिलायंस रिटेल जो है काफी ज्यादा आगे नजर आती है, उसके पास काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो इस हिसाब से देखें तो सेक्टर वाइज इसके पास डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है, हालांकि इसके कुछ बिजनेस लॉस के अंदर भी हो सकते हैं पर ओवरऑल ये प्रॉफिट के अंदर है। और डीमार्ट का देखें तो डीमार्ट भी बुरा नहीं है, डीमार्ट के स्टोर्स भले ही कम है पर ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। उसके अलावा इसका माल खरीदने का तरीका अच्छा है, और जितने भी डीमार्ट के पास स्टोर हैं एक भी किराए पर नहीं है, सारे खुद के हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा डीमार्ट सस्ते भी काफी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है, और डीमार्ट क्या है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे करके। स्टोर्स के मामले में देखें तो आज रिलायंस रिटेल आगे है। फिर दोस्तों इनके फाइनेंशियल हम देख लेते हैं। तो डीमार्ट का अगर फाइनेंशियल देखें तो 2019 से लेकर 2022 तक इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, और रेवेन्यू 2022 के अंदर है 31,000 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर इसने प्रॉफिट जो जनरेट किया है 1,490 करोड़ रुपए का। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालते हैं तो लगभग 5% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है, जो कि बहुत अच्छा है।
और अब रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू अगर देखते हैं तो 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसका रेवेन्यू है। उसने जो प्रॉफिट जनरेट किया है 2022 के अंदर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का, और अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन हम निकालते हैं तो लगभग 3.5% के आसपास इसका प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है, जो कि बढ़िया है। पर अगर देखा जाए तो डीमार्ट से इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है, और डीमार्ट की ये खास बात है कि डीमार्ट एडवांस में पेमेंट करता है, जिसके कारण क्या है कि सस्ती खरीदारी करता है और प्रोडक्ट्स जो है ग्राहक को भी सस्ते में प्रोवाइड करवाता है, इसके कारण भी डीमार्ट की डिमांड जो है थोड़ी सी अच्छी है। देखिए डीमार्ट भले ही छोटी कंपनी हो पर इसकी चाल जो है कछुए जैसी, धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ रहा है, एक एक स्टोर खोल रहा है धीरे धीरे करके। और डीमार्ट के ऊपर लगभग डेप्ट है 647 करोड़ रुपए का, अगर इसका एनुअल प्रॉफिट देखें तो उससे काफी कम है, तो ये डेप्ट फ्री कभी भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसको ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हम मान सकते हैं। और इसके अलावा रिलायंस रिटेल का जो डेप्ट है वो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं चल पाया, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर टोटल जो डेप्ट है 2.47 लाख करोड़ रुपए का, पर रिलायंस रिटेल का मुझे पूरा अंदाजा नहीं है। फिर डीमार्ट का अगर स्टॉक का पीई देखते हैं तो 169 का निकल कर आता है, और इसके अलावा जो इसके इंडस्ट्री का पी है 266 का, तो उस हिसाब से शेयर जो है काफी सही भाव के अंदर चल रहा है, और इसकी आरओई 11.5% की, आरओसी 15% की है। और रिलायंस रिटेल का शेयर अलग से लिस्टेड नहीं है तो इसकी जो फंडामेंटल्स है वो हम ज्यादा नहीं देख सकते हैं। और अभी अगर डीमार्ट का प्राइस देखें तो लगभग 4,000 रुपए के आसपास ही चल रहा है, ठीक है, और इसका ऑल टाइम हाई 5900 रुपए से शेयर जो है काफी सस्ता चल रहा है, तो एंट्री बनानी है तो धीरे धीरे करके बना सकते हैं, मतलब 10% 20% अमाउंट के साथ। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर प्राइस देखें तो लगभग 2400 रुपए के आसपास चल रहा है, और उसके अलावा रिलायंस रिटेल का आईपीओ भी आ सकता है आने वाले टाइम में, ये भी अपने ऑल टाइम हाई 2800 रुपए से काफी शेयर जो है थोड़ा सस्ता चल रहा है, तो इसके अंदर भी धीरे धीरे करके एंट्री बना सकते हैं। तो अब दोस्तों इसके सारे मेन मेन डिफरेंसेस तो हमने देख लिए, अब इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब मेरी इस पर फाइनल ओपिनियन क्या है, मतलब इन दोनों में से बेस्ट स्टॉक कौन सा है। और दोस्तों मैं अपनी ओपिनियन दूं, उससे पहले आप अपनी भी ओपिनियन बता सकते हैं कि कौन सा शेयर आपको बेस्ट नजर आ रहा है, डीमार्ट या रिलायंस, और क्या आपको पता है कि आप अपना ओपिनियन देके भी पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, तो प्रोबो ऐप इंडिया की पहली ओपिनियन ऐप है जहां पर आप अपना ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंस के अलावा भी काफी सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, पॉलिटिक्स है, क्रिप्टो है। तो इसके अंदर क्या है कि आप अपना पसंद का टॉपिक लेके कोई भी क्वेश्चन के अंदर अपना ओपिनियन देना है यस या नो के अंदर, और अगर आप सही होते हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं। तो देखो डिस्क्रिप्शन में जो प्रोबो ऐप की लिंक दी गई है तो वहां से प्रोबो ऐप डाउनलोड करके प्रोबो ऐप को ओपन करते हैं, फिर हमें टॉपिक सेलेक्ट करने को बोलता है, तो हम क्या है कि क्रिप्टो टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर सवाल है कि बिटकॉइन 30 जुलाई तक $15,000 के नीचे जाएगा, यस या नो। अगर आपका ओपिनियन सही हुआ तो आप पैसे कमा सकते हैं, और अगर आपको क्रिप्टो पर नॉलेज है तो अभी प्रोबो ऐप पर हर 20 मिनट के अंदर क्रिप्टो पर इवेंट चल रहे हैं, जिसके अंदर आप हर 20 मिनट के अंदर क्रिप्टो पर क्वेश्चन ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बिड अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। तो प्रोबो ऐप की लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, अभी साइन अप करने पर ₹25 बोनस भी मिलेगा। तो अब इनका कंक्लूजन हम देख लेते हैं, तो अगर मार्केट कैप के अनुसार अगर देखते हैं तो दोनों ही लार्ज कैप कंपनी है, हालांकि डीमार्ट का शेयर अलग से लिस्टेड है पर रिलायंस रिटेल का शेयर लिस्टेड नहीं है, और रिलायंस रिटेल का जब आईपीओ आएगा तो ये शेयर भी लिस्टेड होगा, तो ये शेयर भी लार्ज कैप ही होगा। और रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो रिलायंस रिटेल का जो रेवेन्यू है डीमार्ट से 7 गुना ज्यादा है, मतलब डीमार्ट से ये 7 गुना बड़ी कंपनी है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन हम देखते हैं, दोनों ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पर डीमार्ट का प्रॉफिट मार्जिन लगभग 5% के आसपास है और रिलायंस रिटेल का जो प्रॉफिट मार्जिन है लगभग 3.5% के आसपास, तो डीमार्ट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा आगे है। और अगर स्टोर्स देखते हैं तो 246 स्टोर्स है डीमार्ट के पास और 11,800 स्टोर्स है रिलायंस रिटेल के पास, हालांकि सारे मॉल वाले नहीं है, इसके अंदर रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस फ्रेश है, जियो मार्ट है और भी काफी सारे स्टोर्स हैं, पर ओवरऑल देखें तो रिलायंस रिटेल के पास स्टोर्स ज्यादा हैं और स्टोर्स के अंदर भी 48 गुना ज्यादा स्टोर्स हैं। और देखिए डीमार्ट भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, डीमार्ट की सबसे खास बात है पहले अपना लैंड खरीदता है, कोई भी स्टोर किराए पे नहीं है, और उसके अलावा इसकी खरीदारी अच्छी है, माल सस्ते में प्रोवाइड करवाता है, डिस्काउंट वगैरह भी अच्छे मिलते हैं और इसके प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं। स्टोर्स भले ही रिलायंस रिटेल की तुलना में कम हो पर इसकी गति जो है धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ रहा है। और अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो रिलायंस रिटेल का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसके पास मॉल बिजनेस मतलब रिटेल बिजनेस के अलावा भी काफी सारे बिजनेस इसके अंदर में आते हैं, तो ये रिलायंस रिटेल को इसका एडवांटेज मिल जाता है। बाकी अगर ओवरऑल देखिए तो दोनों ही कम नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट कंपनीज है, और मार्केट कैप के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखें तो पहले नंबर की कंपनी है और डीमार्ट जो है 21वें नंबर की कंपनी आती है। अगर रिलायंस रिटेल भी अगर अलग से आईपीओ लिस्ट हो जाता है तो भी इसका लार्ज कैप के अंदर टॉप 20 के अंदर तो नंबर होगा ही। तो दोस्तों ओवरऑल अगर फ्यूचर की बात करें तो रिलायंस रिटेल जो है मुझे ज्यादा आगे कंपनी नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, रिटेल बिजनेस मतलब जो मॉल का बिजनेस है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस फ्रेश है, नेटमेड्स, जस्ट डायल और भी काफी सारे ब्रांड्स इसके पास है, जिसके कारण इसको बेनिफिट मिल जाता है। तो पर्सनली इन दोनों में से मुझे जो बेस्ट कंपनी लगी वो रिलायंस रिटेल, सेकंड नंबर पर डीमार्ट।
वैसे देखा जाए तो इन दोनों के शेयर्स मेरे पास है, मुझे ये दोनों ही कंपनियां अच्छी लगती है। और दोस्तों आपकी क्या राय है, मतलब आपको इन दोनों में से कौन सी कंपनी पसंद आ रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके पास इन दोनों में से कौन सा शेयर है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि दोनों का ही फ्यूचर अच्छा है, पर ओवरऑल अगर देखें तो रिलायंस रिटेल मुझे आगे नजर आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, प्रोबो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं।